सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड. हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज 3i हैट प्लस 2j हैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2-1 टू द पॉइंट 6-4. अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डाटा में जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख लेंगे. डाटा में हमारे पास सबसे पहले फोर्स गिवन है. फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3i हैट प्लस 2j हैट है. और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द दिस, यानी कि एक पॉइंट हमें ए फॉर एग्जांपल ए दिया गया है जिसके हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स 2-1 है, और बी पॉइंट हम इसे कह देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 6-4 है. ठीक है, अब ये सारी चीज़ों और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है. ठीक है, अच्छा अब वर्क डन जिस तरह से हम जानते हैं वर्क डन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन जो होता है हमारे पास कितने किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास वर्क बताता है हमें. ठीक है, और इसमें आर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किन दो पॉइंट्स के दरमियान है, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान है. अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट. सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम के जरिए जो है इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं. ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक्स एक्सेस है, ये मेरे पास वाई एक्सेस है, और ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सेस को शो कर रहा है. ठीक है, अच्छा अब जैसे कि यहाँ हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि इसमें आई हेड जो है हमारे पास क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, और जे हेड हमारे पास क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन. और यूनिट वेक्टर हमारे पास बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा होता है. तो अगर हम ये देखें कि अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स बनाती हूँ, जीरो जीरो हमारे पास ओरिजिन है. ठीक है, सबसे पहले मैं ए पॉइंट को शो करती हूँ. ए पॉइंट में अगर हम देखें तो 2-1, यानी कि 2 जो है वो हमें ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस में ये इसने जो डिस्प्लेसमेंट की है वो 2 की है. ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर मैं 1 और ये मेरे पास 2 है. ठीक है, और -1 यानी कि वाई एक्सिस में ये माइनस डायरेक्शन में 1 वैल्यू अटेन किया है इसने. ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स जिसको मैं ए का नाम दूंगी, और ए जो है वो हमारे पास क्या है, 2-1. सिमिलरली हम जो है अब बी पॉइंट को भी शो करा लेते हैं. बी जो है वो 6 यूनिट्स जो है वो एक्स में मूव किया है. ठीक है, जैसा यहाँ हमारे पास जो है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह उसने 6 यूनिट्स जो है वो आप इधर मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगी. 6 यूनिट्स इसने एक्स डायरेक्शन में मूव किया है, और वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट्स मूव किया, 1, 2, 3, 4. ठीक है, अच्छा और ये पॉइंट अगर आप बनाएं तो हमारे पास कुछ ये पॉइंट बन जाता है जिसे मैंने बी का नाम दे दिया है, और ये हमारे पास कितना है, 6-4. ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स के, हम पोजिशन वैक्टर निकालेंगे. ओ ए पोजिशन वैक्टर हमारे पास, यानी कि ओरिजन से जो हम वैक्टर की एंड पॉइंट तक देखते हैं हमारे पास क्या कहलाता है, पोजिशन वैक्टर कहलाता है. इसी तरह हम बी का भी पोजिशन वैक्टर कैलकुलेट करेंगे. इसको 1 by 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ओ ए मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ. ओ ए जो है हमारे पास किसके बराबर होगा, 2 into i हैट प्लस माइनस जे हैट. ठीक है, यानी कि मेरे पास यहाँ या ओ ओरिजिन जो है, ओरिजिन से मैंने ए पॉइंट तक का जो वेक्टर कैलकुलेट किया जिसे मैं पोजीशन वेक्टर कह रही हूँ ओ ए, वो मेरे पास किसके बराबर है, 2 into i हैट और प्लस माइनस जे हैट, यानी कि -1 और इंटू जे हैड. और आई हैड अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस में उसने जितने ना एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे हैड जो हमारे पास वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर 2i हैड - j हैड. ठीक है, अब इसी तरह मैं ओ बी निकाल लूंगी, यानी कि ओ बी हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर फॉर बी, पोजीशन वेक्टर यानी कि ओरिजिन से जो हम देखते हैं वो वहाँ पास क्या बराबर आता है, 6i हैड + 4j हैट के बराबर आ जाता है. ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट्स दोनों पोजीशन वेक्टर्स जो हैं उसको कैलकुलेट कर लिया है. अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की, यानी कि ए और बी के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्चुअली, वो मैंने वाइट कलर से वैक्टर से शो किया है जिसे मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अब अगर हेड टू टे रूल के जरिए मैं ये पूरी ट्राइंगल, यानी कि जैसे हम ये जो हमारे पास बनी है हेड टू टे रूल के जरिए देखूं, तो मेरे पास ये जो वेक्टर है ओ ए के हेड के साथ ए बी वेक्टर की टेल ज्वाइन की गई है. तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, ओ ए प्लस ए बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा. जैसे कि आपको फिगर में एरो हेड से नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ
यहाँ मैं दोबारा शो कर देती हूँ इसी चीज़ को, कि हमारे पास ओ ए प्लस ए बी जो है वो हमारे पास ओ बी के बराबर आ रही है, यानी कि ओ बी इनका रिजल्टेंट बनता है। तो अगर हमने ए बी, क्योंकि हम ए बी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, ए बी हमारे पास ए से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है जो कि हमने कैलकुलेट करना है, तो वो मैं इस इक्वेशन से आसानी से निकाल सकती हूँ। और मेरे पास क्या आएगा, ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, यानी कि ओ बी पोजिशन वैक्टर जो है उसको माइनस करेंगे ओ ए पोजिशन वैक्टर से, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। और ओ बी हमारे पास क्या है, 6 i हैट प्लस 4 j हैट माइनस 2 i हैट माइनस जे हैट, ठीक है, ये हमारे पास ए बी जो है वो निकल आएगा। इस ए बी को हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है, 6 i हैट प्लस 4 j हैट माइनस 2 i हैट और प्लस जे हैट, यानी कि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, 4 i हैट, यानी कि 6 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया, 4 i हैट और प्लस 5 j हैट, 4 प्लस 1 हमारे पास 5 हो गया, तो 5 j हैट। यानी कि ए बी जो है स्टूडेंट्स, यानी कि हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिए ए से बी पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी निकली है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास वर्क डन जो है, यानी कि वर्क डन जो है वो एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। फोर्स का जो वैक्टर है वो हमें दिया गया है 3 i हैट प्लस 2 j हैट, ठीक है, और इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है आर के साथ, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, 4 i हैट प्लस 5 j हैट के बराबर है, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अब हर टर्म जो है वो सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 3 into 4, 3 4 12 into i हैट डॉट आई हैट आ जाएगा हमारे पास, प्लस सेकेंड टर्म 3 into 5 अगर हम करें 15 into i हैट डॉट जे हैट आ जाएगा, ठीक, और फिर उसके बाद जो है प्लस 6 4 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 आई जे हैट डॉट आई हैट आ जाएगा, और फिर प्लस अगर हम करें 2 5 10 into j हैट डॉट जे हैट आ जाएगा, ठीक। अब ये सारी टर्म्स जो हैं वो हमने मल्टीप्लाई कर ली है वन बाय वन, अब इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हम जानते हैं कि आई जो है, आई और जे जो है स्टूडेंट्स हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ देखती हूँ तो इनके दरमियान जो एंगल होता है कॉस ऑफ थीटा जब ये ओपन करेगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ मेरे पास 1 आंसर आएगा। और ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। अब आई का जब मैं जे के साथ लेती हूँ तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 का, और कॉस ऑफ 90 हमें क्या देता है, 0 देता है, तो ये हमारे पास टर्म जो है ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएंगी, और प्लस 10 into 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ जे डॉट जे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये सारी हमने टर्म्स देख ली हैं, अब 12 प्लस ये सारे तो 0 हो जाएंगे और फिर हमारे पास 10 आ जाएगा, तो मेरे पास वर्क डन कितना निकल आया स्टूडेंट्स, 22 जाउल्स, ठीक है, 22 जाउल्स जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि अब फोर्स जो है वो हमारे पास न्यूटन्स में होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर्स में है, तो उसका जो यूनिट है वो हमारे पास जाउल्स बन जाता है। तो ये मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट।